इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लोकतंत्र का पर्व है, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके बीच हिंसक झड़प और हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर वेस्ट मिदनापुर के सालबोनी में आ रही है, जहां पर चुनाव के दौरान हिंसा हुई है। लेफ्ट कैंडिडेट सुशांत घोष पर हमला किया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे। सालबोनी में चुनाव के दौरान ये हिंसा हुई है और लेफ्ट कैंडिडेट सुशांत घोष जहां पर मौजूद थे, वो मतदाताओं के बीच थे, हाथ वेव कर रहे थे, अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, एक तरीके से मतदाताओं का उत्साह वर्धन कर रहे थे। लेकिन अचानक से पीछे से एक शख्स आया, उसने धक्का दिया, पुलिस वहां पर मौजूद थी, फौरन सुशांत घोष को वहां से बचाकर हटाया गया और जो हमला करने वाले थे उनको भी कंट्रोल में करने के लिए, काबू में करने के लिए पुलिस के जवान वहां पर मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर ये तस्वीर एक बार फिर से आप देखें, सुशांत घोष जो लेफ्ट के कैंडिडेट है सालबोनी से, वो आगे बढ़ रहे थे, तभी पीछे से अचानक एक शख्स आया, उसने जोर से उन्हें धक्का दिया और फिर क्या हुआ वो आपके सामने। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा। टीएमसी ने बीजेपी पर कैसे करारा हमला बोला है वो भी आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।